भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना काल में भारत को आगे बढ़कर दूसरे देशों की मदद करने की नीति पर पूरी दुनिया कायल है। हर एक देश ने भारत के बढ़ाए कदमों के लिए तारीफ भी की। तारीफ करने वाले देशों में अब एक और देश का नाम जुड़ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक की, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रट ने कोरोना महामारी के दौर में भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की तारीफ की। पीएम रट ने इस मौके पर कहा कि पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान भारत सरकार ने डच निवेशकों के समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने में मदद की। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आपकी मदद से मुश्किल दौर में भी दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमारे रिश्ते लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रट से कहा कि हमारी साझेदारी कानून के शासन और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी को लेकर हमारी चुनौती समान है। हम सहयोग के नए क्षेत्रों में रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। इस वर्चुअल बैठक के दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के काम का हिस्सा है। ये परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजता है और अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है। भारत अगस्त 2021 में 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। हर सदस्य देश बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।